नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 12 जनवरी को इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या कर दी गई थी जब वो ड्यूटी से लौट रहे थे। ताबड़तोड़ उन पर कई गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब तक, जिसने गोली चलाई है, जिसने रुपेश की हत्या की है, उसे बिहार पुलिस पकड़ पाएगी। सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कल यानी कि 3 फरवरी को पटना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा जिसने गोली चलाई है उसे वहां पर सामने लाया गया और उससे पत्रकारों द्वारा से बात भी कराई गई। उसने कबूला कि हाँ, उसी ने गोली चलाई है और गोली चलाने का कारण वो बताता है कि रोड जो रेज यानी कि सड़क दुर्घटना एक हुई थी रुपेश की, उसके साथ वो बाइक चोर है, बाइक चोरी करके भाग रहा था, उसकी गाड़ी टकराती है रुपेश के कार से और उसके बाद रुपेश उसे 2-3 थप्पड़ जड़ देता है। इसी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और प्लान बनाता है मारने की। कई अटेम्प्ट करता है लेकिन सफल नहीं होता है, लेकिन बाद में आखिरकार वो इस घटना को अंजाम देने में सफलता प्राप्त कर लेता है। और यही घटना पटना पुलिस बता रही है। लेकिन उसके बाद पटना पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। साथ ही रुपेश की जो पत्नी है उन्होंने भी इस घटना पर सवाल खड़े किया है और जो जांच की गई है, जिसे आरोपी बनाया गया है, उस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए ये पूछा है कि आखिर कैसे एक मामूली सी सड़क दुर्घटना को लेकर कोई इतना गंभीर हो सकता है, इतना गुस्से में आ सकता है कि किसी की जान ले ले। यह तो प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन अब विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़े आदमी को बचाने के लिए बलि का बकरा खोज लिया है। सड़क दुर्घटना के नाम पर किसी की बलि चढ़ाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं, रुपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था, नीतीश कुमार जी अपने नाक के बाल और आंखों के तारे को बचाने के लिए बकरा खोज रहे हैं। आज बिहार पुलिस ने बकरा खोज लिया। यकीन मानिए, ऐसी कहानी सीक्रेट की घिसी पिटी फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। आपको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। पुलिस की कहानी हमने आपको कल पूरी सुनवा दी थी। पूरा अनकट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वीडियो जारी किया था और आपने उसे देखा भी होगा। उसमें यही बताया गया है कि सड़क दुर्घटना के कारण रुपेश की हत्या, जिसके साथ उसकी घटना हुई है, उसने की थी। वो एक बाइक चोर है, वो खुद कबूलता भी है, लेकिन सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा था कि किसी सांसद की भी इसमें संलिप्तता होने की बात पहले बताई गई थी। बाद में डीजीपी ने भी एक अलग बयान दिया था, वो बिल्डर की बात कर रहे थे। मतलब बड़े बड़े वीवीआईपीज के नाम इसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा जो नाम सामने आया वो एक बाइक चोर का आया। और इसी को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस ने कहानी सुनाई उसमें भी कई त्रुटियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो पीड़ित है, परिवार है, जो जिनकी हत्या हुई उनकी पत्नी भी इन पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि पुलिस जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है या आगे चलकर जब जांच पूरी होगी उसके बाद भी पुष्टि होगी, या देखना होगा कि क्या इस पर कोई जांच अन्य बैठाई जाएगी, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि अब इस पर कोई अन्य जांच बैठाई जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उनका कहना है कि हमने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन सवाल लगातार विपक्ष खड़ा कर रहा है, पीड़ित परिवार खड़ा कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, क्या अन्य कोई जांच टीम भी बैठाई जाएगी। बात सीबीआई की हो रही है पर काफी मुश्किल लग रहा है कि सीबीआई जांच इस पर कराई जाएगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।